हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाएंगे लवेड़े का अचार, जो बहुत ही टेस्टी बनता है और थोड़ा सा स्पेशल भी है, क्योंकि ये बहुत लोग इसके बारे में नहीं भी जानते हैं। लेकिन आप ज़रूर देखिए इस रेसिपी को, तो आपको समझ में आएगा कि ये अचार कैसे बनाया जाता है और ये क्या है। सबसे पहले मैंने लवेड़े लिए हैं। देखिए, इस तरह से बंच में मिलते हैं, ग्रीन कलर के, छोटे छोटे राउंड शेप में। जैसे देखिए, मैं अलग से आपको एक दिखाती हूँ, ये देख सकते हो आप। इसे अभी ये कच्चे हैं बिल्कुल, इसे हमें बॉईल करना है। पानी से पहले धो लीजिए इसे अच्छी तरीके से, बिल्कुल साफ़ करने के बाद, कि जो डंडियाँ हैं वो हटा दें और एक कुकर में डाल दें। थोड़ा सा नमक ऐड कर दें, नहीं तो ये अंदर से फीके रह जाएंगे। और सीटी बिल्कुल ना दें, बस छोटी सी प्लेट रख के इसको हल्का सा गला लें, मुश्किल से 20 से 30%, बहुत ज़्यादा ना गलाएं। देखिए, टूटने लगेंगे हाथ से, ये पहचान है। और अब हमने इसका सारा पानी निकाल दिया और उसको धूप में जाके रख दिया। देखिए, इस तरीके से धूप में रख दें, लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। और बस वो सूख जाएंगे, उसको अलग कर लीजिए। अब हमें मसाले रेडी करने हैं। हमने सौंफ लिया है, फिर मैंने येलो मस्टर्ड यानी पीली सरसों भी लिया, थोड़े से मेथी दाने भी लिए हैं। इसका रेशियो कुछ इस तरह से होता है दोस्तों, कि सौंफ सबसे ज़्यादा, फिर मस्टर्ड, और उसके बाद सबसे कम मेथी। इस तरह से मसालों को आप ऐड कर लीजिए, आपको जितने भी अचार डालना है। मैंने ये 1 से 1.5 किलो लवेड़े लिए थे, तो इसलिए मैंने इस तरीके से इसमें ऐड किया है। देखिए, लवेड़े गल गए हैं इस तरीके से, देखिए अंदर से एक बीज निकलता है इसमें। बस हमने सरसों का तेल को गर्म किया है। सरसों का तेल मैंने क्वांटिटी में 2 कप रखा है, उसको हल्का सा गर्म करने के बाद लवेड़े डाल दिए हैं, और उसको थोड़ी देर तक गर्म तेल में ही रहने दीजिए। अब मैंने इसमें कलौंजी ऐड की है 1/2 चम्मच। एक तो अचार इससे बहुत ही सुंदर लगता है, ऊपर से बहुत टेस्टी भी बन जाता है। अब सारे मसाले जो हमने ड्राई रोस्ट किए थे, हमने अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेना है। इस तरीके से मिक्सी में डाल के इसको पीस लें। मसाले एकदम पाउडर फॉर्म में ना लाएँ, थोड़े दरदर ही रखें, ताकि वो अच्छा लगता है अचार के अंदर। देखिए, हमारा पूरा मसाला एकदम पिस कर रेडी हो गया है। बस अब मैंने इसी गर्म तेल में इस अचार के मसाले को भी ऐड कर दिया है इस तरीके से। अब गैस को बंद करें और उसमें हींग ऐड करें। हींग बिल्कुल मैंडेटरी है, इसको इसके बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बिना हींग के अचार में कोई भी खुशबू नहीं आएगी और ना ही वो टेस्ट में अच्छा बनेगा। 1 चम्मच मिर्च पाउडर और अमचूर पाउडर और हल्दी पाउडर और नमक, बस इतने मसाले ऐड करने हैं। बस इनको ऐड करके अच्छे से चला दें, ताकि मसाले तेल के साथ अच्छे से भुन जाएं, क्योंकि अचार का तेल गर्म है, आराम से भुन जाएंगे। इनको लगातार गैस पे नहीं रखना है, बस इसको हल्का हल्का भून के इसको साइड से रख दें, इसको ठंडा होने दीजिए। देखिए कितना अच्छा कलर भी आ गया है, लेकिन अभी अचार बिल्कुल कच्चा है, खाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। और अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे शाम तक के लिए, कम से कम। बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही हमें इसमें जो है विनेगर यानी कि वाइट जो सिरका होता है उसको ऐड करना है, जिससे कि अचार बिल्कुल पूरे साल ख़राब नहीं होगा और बहुत ही बढ़िया टेस्ट में भी रहेगा। सो इसको डालना बिल्कुल ना भूलें। विनेगर कहीं भी किसी भी स्टोर पर आराम से मिल जाता है। इसको मिक्स कर दीजिए और इसको आप साइड से रख दीजिए। अब सुबह उठकर जो है हमें इसको रखना है धूप में। हमने इसको एक बड़े बोल में पलट लिया है, देखिए इस तरीके से। किसी कांच के जार में भी आप रख सकते हैं, या किसी स्टील के बॉक्स में भी रख सकते हैं इसको आप। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कांच का ही बड़ा बॉल हो। बस इन सबको मिला दीजिए अच्छे से। मिलाने के बाद हमने इसको धूप में रखा, और देखिए धूप में रखने के बाद थोड़ा सा कलर और भी बढ़िया आ गया है। अभी इसमें जो है तेल बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, जब आप 1 से 2-3 दिन धूप में रखेंगे। देखिए, आफ्टर 3 डेज़ आप देख सकते हो कितना बढ़िया तेल का रंग आ गया है और बढ़िया अचार बन गया है। सो दोस्तों, अगर आपको लवेड़े के अचार की रेसिपी पसंद आई हो, तो ज़रूर से इसको ट्राई करें और मेरे इस अचार को ज़रूर लाइक कर दें दोस्तों, और इसको बताएं ये आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, इस बार इस अचार को आप ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये बहुत नया अचार है। बहुत लोग इसको जानते भी हैं और कुछ लोग तो इसे बिल्कुल नहीं जानते हैं। सो इस तरह से आप जब इस अचार को बनाएंगे, तो कुछ नया भी बनाएंगे और कुछ नया भी खाएंगे। तो चैनल पर बने रहिए नई नई वीडियोस के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स।